महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इन दोनों महापुरुषों का जीवन, जहां गांधी जी का आज़ादी की लड़ाई और अहिंसा के लिए समर्पित था, वहां लाल बहादुर शास्त्री जी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा रहे और बाद में जय जवान जय किसान जैसा उद्घोष राष्ट्र को दिया और थोड़ी समय में हरित क्रांति के जनक के रूप में 65 की लड़ाई के विजेता के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई, एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जगह बनाई। आज का दिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए समर्पित किया है, खुद भी स्वच्छता में उन्होंने कल हिस्सा लिया और देश भर के लोग स्वच्छता के हिस्सा का आंदोलन बन रहे हैं, इसलिए स्वच्छता के सिपाहियों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। जिन सरपंचों ने, ब्लॉक समिति ने, जिला पार्षदों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको भी आज यहाँ सम्मानित किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, जिससे औरों को प्रेरणा मिले कि वो अपना बेस्ट दे सकें। इन्हीं सी कार्यकाल में हरियाणा और पूरा देश ODF हुआ है, प्रधानमंत्री जी की प्रयासों से हुआ। शहरों की, गांवों की स्वच्छता की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई और देश स्वच्छता के मानकों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात से हर आम आदमी तक को प्रेरणा मिली है कि अब लोग सामान सड़कों पर नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियों में भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद डस्टबिन लगवाए हैं और अपनी जेबों में भी कई बार रैपर वेपर डाल लेते हैं, ये बड़ी प्रेरणा उनकी है। इसके साथ साथ जो वार मेमोरियल बना है, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा, जॉर्ज पंचम की जहाँ प्रतिमा थी वहाँ लगी है, वहाँ पर पूरे देश की एकता और अखंडता की दृष्टि से वो एक तीर्थ बने, शहीदों के प्रति हमारी हृदय से भावांजलि हो, इसलिए मेरा देश मेरी माटी जैसा अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया और गांव गांव से माटी इकट्ठी की गई है। वो बाद में ब्लॉक स्तर पर उसके कलश बने हैं, पहले गांव-गांव के कलश आए, आपने देखा हम हमारी पार्टी के सदस्यों ने भी तिरंगा यात्राएं निकाली कलशों के साथ और प्रशासन ने भी इस पर अभियान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज वो ब्लॉक वाइज कलश यहां सौंपे गए हैं। मैंने जिला उपायुक्त जी से आह्वान किया है कि जितने भी हमारे ज़िले के कॉलेज हैं उन सब में भी ये कलश रखे जाएँ, सब विद्यार्थी अपने अपने घर से पावन माटी लाकर उसमें डालें तो सबका इस एकता और अखंडता के तीर्थ के प्रति जुड़ाव बनेगा। जिस प्रकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का तीर्थ बना, इस तरह से ये एक और एकता का तीर्थ दिल्ली में इंडिया गेट पर वार मेमोरियल होगा। इसके लिए भी सबके मन में एक भाव है और उस भाव की अभिव्यक्ति के साथ ही जो है लोगों ने ये श्रद्धापूर्वक जो है ये कलश सौंपे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भावना पूरे देश में एकता और अखंडता को और मजबूत करेगी। आज के सफल कार्यक्रम के लिए मैं प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। संबोधन कर रहे थे, उन्होंने